नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और आइए रुख करेंगे आज की खबरों की ओर। विधायक तबंग महिला से परेशान होकर ग्रामीणों ने लगाई जिला अधिकारी बांदा से न्याय की गुहार, सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला जनपद बांदा तहसील नरेनी के ग्राम पंचायत पुकारी का है, जहां पर 2 दर्जन महिलाएं एवं पुरुषों ने जिलाधिकारी आनंद कुमार एवं पुलिस अधीक्षक बांदा से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया है कि गांव की ही एक दबंग महिला एवं उसका पति ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करके मकान बना रहा है एवं मकान के सामने चबूतरे का निर्माण कर रहा है, जिससे आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। हम लोगों ने अपने घर बैलगाड़ी ट्रैक्टर ले जाने के लिए रास्ता नहीं बचा है। हम किसान एवं मजदूर व्यक्ति खेती किसानी का अनाज एवं भूसा हम लोग यहां से लेकर आते हैं। ग्रामीणों के द्वारा ये भी बताया गया कि पूर्व में भी उपजिलाधिकारी नरेनी ने पूरे प्रकरण से अवगत करा चुके हैं, जिसके चलते दबंग महिला के द्वारा गाँव के पूर्व प्रधान एवं हम लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखवा चुकी है। अगर हम लोगों द्वारा रास्ता अवरुद्ध करने के लिए मना किया है तो धमकी दी जाती है और कि झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में से कालका प्रसाद, माता प्रसाद, भवानी दीन, सुनीता रामबाई, रामबाबू, रामेश, माया देवी, यशोदा और मिला चंद्रपाल सहित 2 दर्जन ग्रामीण मौजूद रहे। बांदा से पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। तड़ी जगह से रास्ता थी। क्या नाम है आपका? माया देवी। कहाँ रहती है? आज कहाँ है? आज बांदा डीएम साहब के हैं। क्या है मामला तुम्हारा? मामला हमारा रास्ता का मामला है। हमें छेड़खानी लिखाती है, हमारे लड़कों बच्चों को फंसाती है, हमारी बहू बेटियों ने करती है तो मारती है, धमकी देती है। कौन है वो? वो राजरानी, राजरानी वो नाम कमलेश। क्या क्या दमंग है क्या वो? दमंग किस तरीके कोई व्यवसाय करती है? एक गांव से दूसरे जांग आई, दूसरे से तीसरे गई, वो यही धंधा है। क्या उसका करेक्टर खराब है? क्या खराब है उसका? और लोग आते जाते हैं क्या उसी घर? उसके घर यही को बुला लेती हूँ, वही आते जाते हैं। आपको किस तरीके की कोई धमकी दिया? हाँ, धमकी देती भी रहती है। हमारी बहू बेटी यानी कि उसको आदमी को ठाड़ कर देती है पेपर, उसको नंगा छेड़ने को दावा कर देती है। बच्चियों को? हाँ, बच्चियों को, बहू को। आपने कोई उच्च अधिकारी से बताया? अब आज हम कुछ कहीं नहीं गए, आज पहले 3 साल से हो गए परेशान कर रहे हैं। आज भी हम साहब से मिले? हाँ, अब आए हैं। काम रास्ता को रोका जा रहा है और उसमें अवैध निर्माण कर पट्टियां बनाई जा रही हैं, जिससे आम जनता को परेशानी है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उस रास्ते को हटवाया जाए और वहाँ से निकलने के लिए सही रास्ता दिया जाए। कहाँ आए थे आज? हम जिला अधिकारी महोदय बांदा को ज्ञापन दिया और लिखित ज्ञापन देकर के उनसे अपने समस्या का निदान करने के लिए आवेदन किया। तो कितने लोग प्रभावित है उस रास्ता से? उसमें कम से कम 20 लोगों का घर है पीछे, और सामने से वो रास्ता है जिसके पीछे 20 लोगों का घर पड़ता है। आना जाना है? आना जाना है, उसको रोका जा रहा है, उसे बाधित हो रही है। अगर वो रास्ता नहीं सही तरीके से हटाई जा रही है, नहीं रास्ता दिलाया जा रहा है, तो हम लोगों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगर हम लोग उसको रोकते हैं तो हमारे ऊपर छेड़छाड़, बलात्कार इत्यादि जैसे गंभीर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देती है, और पूर्व में हम लोगों के ऊपर कई ऐसे मुकदमे दर्ज करा चुकी है जो हम शासन से जो है लड़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है छोटे लाल। किस गांव से? ग्राम पंचायत पुकारी